शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिछले 8 सालों से हर साल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता है फार्मर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। इसमें जो भी इतने सालों में टेक्नोलॉजी डेवलप करी है यूनिवर्सिटी ने, उन सब का डिस्प्ले होता है। उसके साथ ही साथ जो प्लांटिंग मटेरियल है या सीड्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं पब्लिक के लिए और फार्मर्स के लिए। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड अ बिग इवेंट है जो कि हम पिछले 8 सालों से ऑर्गेनाइज करते आए हैं, मेन कैंपस जो शालीमार है वहाँ पे। इसमें जितने भी हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, उन सब के साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं और उन सब के यहाँ पे स्टॉल्स इंस्टॉल करे जाते हैं। जैसे कि हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं और KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सब के प्लस जो हमारी 7 फैकल्टीज़ हैं, उन सब के साइंटिस्ट ने जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, उनके पास जो प्लांटिंग मटेरियल होता है उसका डिस्प्ले होता है। इसके साथ ही साथ जो अच्छी बात है, इसमें बहुत बड़े नंबर पे, क्योंकि हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं और इस साल 8th एग्जीबिशन का सीड सेल मेला है ये, तो इसमें जो फूड फॉल है जनरल पब्लिक का वो बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट की तरह अब होने लगा है यहाँ पे, और इसके लिए हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये दिन पर दिन और बेहतर होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर गनाई सर का जो विजन है उसका भी इम्पैक्ट आप दिन पर दिन देख रहे हैं, क्योंकि हर बार जो ये एग्जीबिशंस लगती हैं इसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है पिछले साल के कंपैरिजन में। हमने फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे चैंपियंस फार्मर्स और इनोवेटर स्टूडेंट्स का भी उनको भी स्टॉल प्रोवाइड करे थे और वो सब अपनी जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है वो वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। साथ ही साथ आम पब्लिक के लिए यहाँ पे प्लांटिंग और सीड मटेरियल अवेलेबल होता है। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं शालीमार कैंपस में पोस्टेड हूँ, तो हम अपना डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की तरफ से भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपना आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है या जो उनका टैलेंट है वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, चैंपियन स्टूडेंट्स और इनोवेटर स्टूडेंट्स के तो अलग अलग स्टॉल है ही, जो आप जब यहाँ इंशाल्लाह आएंगे तो आप देखेंगे ही। साथ ही साथ जो हमारा डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की तरफ से स्टॉल होता है, उस पर बहुत सारे बच्चे जो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जो अलग उनमें टैलेंट्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म देते हैं। साथ ही साथ हम उनको एक और मौका देते हैं जिससे कि वो अर्न वाइल यू लर्न थीम के अंदर अपना प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके। जैसे कि लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, हमें एक स्टूडेंट है फैकल्टी ऑफ फिशरीज का, जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम बोन को, जो कि एक वेस्ट मटेरियल होता है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो बोन्स बचती हैं वो तो यूजलेस ही रहती हैं, तो उस बोन्स को यूज करके उसने ज्वेलरी बनाई और वो ज्वेलरी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। जो हमारे डिग्निटीज थे, चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी उनको काफ़ी इनकरेज किया। तो उसी चीज से इनकरेज होके अब और भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें कि वो अपनी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी या और भी जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो डिस्प्ले करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल से मैं इनवाइट करती हूँ इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।